अस्सलाम वालेकुम, पेशे खिदमत है अली लाहौरी, अली हैदराबादी के बाद हमारे पेशे खिदमत है अपना भाई अली लाहौरी और लाहौर से पंजाब से इंशाल्लाह इसको जब प्रमोट करेंगे और इसका एक नया डायलॉग लेके आएंगे। इसकी आई डी मैंने टैग किया और सपोर्ट एंड लव फॉर अली लाहौरी और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अच्छा आपको आईफोन नहीं दिया अभी तक? नहीं, मुझे दे दिया। ऑफर तो किया होगा। नोटी 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 हमसे छुपा रहे हैं अंदर घर। हम नहीं मांगते आपसे वो वाला आईफोन। कहाँ छुपाया है वो आपने? हारिस हारिस का होता है। जोरू का गला। ओह माय गॉड। ठीक है, हम समझ गए हैं, लोग भी समझ गए होंगे जोरू का गला। आप भी समझ गए? जी जी मैं समझ गई हूँ। तो अच्छा ये आपने क्यों कहा जोरू का गुलाम? क्यों क्या बताएं? बस वो है जोरू का गुलाम। नहीं, तो जोरू का गुलाम क्या? आपने ऐसा क्या देखा है हारिस में जो आप कह रही हैं कि जोरू का गुलाम? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, इट्स मोहम्मद उसामा कादी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू टीम रियल डील्स। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा ग्लूमी ग्लूमी होने वाली बिकॉज आज हमें ज्वाइन की है हमारी को होस्ट The X Factor of Team Real Deals, और हमारे जो आज गेस्ट हैं, he's आप तो देख ही चुके हैं, he's the one of the most famous Pakistani TikToker, अली खान। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? प्यारी। अली आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अभी आपने देखा शो की एनर्जी वाइब्स, आपने चेक की शो की कैसे उठा है शो? जी मैंने देखा। अच्छा अली आप ये बताएं कि लाहौर में कैसा फील कर रहे हैं? लाइक हम देख रहे हैं कि आप काफी दिनों से लाहौर में हैं, सो कैसा फील कर रहे हैं? जी बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, लोगों को प्यार मिल रहा है मुझे, इसलिए दिल नहीं कर रहा वापस जाने को। अच्छा अली मैं मुझे एक बात बताएं, आपके फेमस होने की रीजन क्या है? यही स्लोमो। क्या स्लोमो? लोग आपको देख लोगों से स्लोमो ही लोगों ने एकदम यानी कि पसंद किया तो उन्होंने मुझे उठा दिया। मुझे लगता है आपकी फेमस होने की वजह आपकी टांगे हैं। ये टांगे हैं। अच्छा आपको समझ में पता है ये चलते हैं यहाँ से आते हैं यहाँ चले जाते हैं, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। ये मुझे लगता है आपकी टांगों में कोई स्प्रिंग टाइप कोई चीज फिट की हुई है जो वहाँ से मतलब यहाँ पहुँचा देती है आपको पूरे एक सेकंड में। जी ऐसे ही है। आप हवाओं में क्यों उड़ते रहते हैं हर वक्त? बस ऐसे ही लोगों का प्यार है जो जिसकी वजह से मैं फेमस हो गया। हवाओं में उड़ाए रखते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमारे साथ बैठ के कैसा फील कर रहे हैं? यू फील विद टीम रियल डील्स? बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। कहाँ पे उड़ रहे हैं आप? आज आप जेट फ्लाई हाई इन द स्काई वो वाली वाइब में। जी आपको टांगों पे पेन शेव नहीं होता? दर्द नहीं? कुछ नहीं होता है, मेरे से तो सीढ़ियां ही जली जाती और ये आपका कसूर नहीं है, उनकी और आपकी थोड़े सा नॉटी 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 देखो डबल भी नहीं पाते मेरे बहुत नॉटी नॉटी। सो अच्छा अली हमने आज आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट करना है आपकी फील्ड से रिलेटेड। लाइक हम लोगों ने आपके मतलब एक नाम बोलूंगी मैं, उस पर आपने रिएक्शन देना जो आपके माइंड में है। आपके आईक्यू लेवल का टेस्ट है, ठीक है? टांगों का टेस्ट तो हो चुका है। टांगों का तो हो गया, टांगों में आप फिट हैं। फिट हो गए। वो गांव में कहावत होती है फिरदा दिमाग गिटियां चल। तो आज आपने साबित करना है कि आपका दिमाग गिटियां च नहीं है। गिटियां ने मशहूर करता बट आपका दिमाग दिमाग नहीं है। आपका दिमाग है, आपने ये तो। हम इनके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलने वाले हैं जिसमें हम इनको देंगे टिकटॉकर्स के नेम कुछ और इनको एक स्टेटमेंट देनी होगी बहुत ही क्विकली, और स्टेटमेंट के बाद इन्हें उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना होगा। लाइक जो भी आप बात कहेंगे फॉर एग्जांपल कुछ भी कहेंगे तो आपको कहना होगा कि हाँ मैंने ये बात क्यों कही उनके बारे में। आर यू रेडी? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे उसामा कादरी है, ठीक है? इनके बारे में कोई भी इनका नाम लेता है तो मेरे माइंड में जो फर्स्ट इमेज क्रिएट होता है वो रियल डील्स चैनल का आता है। और कोई पूछे कि रियल डील्स क्या है, उसमें फन है और उसामा है और जो फन जनरेट करता है ये उसकी जस्टिफिकेशन ये है। तो अब आपको पता चल गया जी? हाँ, पता चल गया। लेट्स स्टार्ट। उसामा आप स्टार्ट करें। सबसे पहले जी कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब अच्छी है, वीडियोस भी अच्छी बनाती है, वैसे वो जितनी ना इससे ज्यादा हेल्दी ना हो। वो हेल्दी है बट आपकी बात तो कमल एडवाइस थी, ये एडवाइस थी अली खान की एडवाइस है कमल आफ्ताब को कि इससे ज्यादा हेल्दी ना हो। कमल इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट इन माय होल लाइफ। मेरी जिंदगी में इतना हम्बल बंदा मैंने नहीं देखा। लाइक वो जब भी आपको मिलेंगी ऐसे मिलेंगी जैसे वो आपकी बचपन की दोस्त है, जैसे आप चटी बड़ी फ्रेंड्स हैं। ओह माय गॉड। हां ऑनेस्टली समझ, वो जब भी मुझे मिलती हैं शी इज लाइक अ चटी बड़ी फ्रेंड। वो हमारी सीनियर रहती हैं। सीनियर भी हैं। और वो रिस्पेक्ट देती हैं और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी है। नो डाउट। या ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन ठीक है, वो भी प्यारा है, वैसे भी स्मार्ट है। अच्छा क्यूट है। ड्रामों में आ रहा है आजकल ड्रामे भी उसके आ रहे हैं। ड्रामे बनाता ड्रामों में चला गया।
नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक देखा है आपने? जी देखा है। उनको किसने नहीं देखा है? वो भी नहीं देखा। वो भी ठीक है, प्यारा है, यानी अपनी जगह पे ठीक है। ओह माय गॉड। अच्छा आपने देखा है कि वो सिर्फ एक बार कहते हैं गुड हो गया, बस वो भी उसका एक ट्रेंड है, उसी की वजह से वो फेमस हुआ है। और सिर्फ वो गुड हो गया, कहते हैं गुड हो गया। अच्छा मतलब तुम प्यारी नहीं लग रही, उन्होंने कहना गुड हो गया। जैसे मेरा सलोन है उसी का वो गुड है, जी मेरा गुड है, चल गया मेरी लोगों उसका गुड लक चल गया। जी बिल्कुल लक चल गया, वो वाकई उसकी जिंदगी गुड हो गई, गुड हो गई। हां जी गुड हो गया, ये गुड हो गया, गुड सारा कुछ गुड हो गया, टू गुड हो गया, टू गुड हो गया। नेक्स्ट मिनाहल, मिनाहल भी ठीक है, प्यारी है, वो भी उससे इससे ज्यादा हेल्दी ना हो, ठीक है। यार आपने उनको क्या उनके न्यूट्रिशनिस्ट बने हुए, आपने न्यूट्रिशनिस्ट बना अली खान न्यूट्रिशनिस्ट बन गया जी, बन गया भाई, इससे ज्यादा मोटे किसी ने नहीं होना। अच्छा सारी उन गई जा रहे मोटे मोटे नहीं होना, उन्होंने बाद में पकड़ा अली खान को। और अच्छा जी हारिस, अच्छा ओके हारिस। अच्छा जी अब क्योंकि हमने मिनाहिल की बात की है तो हारिस, हारिस हारिस का बताएं जरूर का गुलाम। ओह माय गॉड, लाइक ठीक है हम समझ गए हैं, लोग भी समझ गए होंगे जरूर का गुलाम। आप भी समझ गए? जी जी मैं समझ गई हूं। तो अच्छा ये आपने क्यों कहा जोरू का गुलाम क्यों कहा बताएं? बस वो है जोरू का गुलाम, उसको जोरू का गुलाम क्या है? आपने ऐसा क्या देखा है हारिस में जो आप कह रहे हैं कि जोरू का गुलाम? बस वो सारी बातें ना बताया गया। नहीं आप बताएं, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं यार, सब जो इसने देखा वो सब ने देखा। नहीं बस जस्टिफाई करना नहीं, समझ एक मिनट क्या मतलब क्यों जोरू का गुलाम? नहीं बस मैं आपकी उसकी इज्जत खराब नहीं करना चाहता या कुछ भी, इसमें इज्जत खराब करने वाली किसी के बारे में कोई बात नहीं। जोरू का गुलाम होना बड़ी नेकी का काम है, उसको तो खुशी हो रही है, बस लोग समझ गए ना तो बस इतना ही काफी है। एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को यार, जोरू का गुलाम बन के बस वो लोग समझ गए तो बस इतना काफी है। चले नेक्स्ट नेम इज उस्मान, मियां उस्मान, जो मौलवी हाफिज साहब, वो फनी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा शरारती हैं तो ठीक है, वो लौटी हैं बिल्कुल। सही हो गया। डॉली रॉकर्स नेक्स्ट स्टार, डॉली का बताएं, डॉली 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 अपने कामों में मसरूफ रहती है ज्यादा, यानी पार्लर में होती है। अच्छा जी हां जी पार्लर में आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन, हर हर टिकटॉकर उसके पास आता है, मैं देखता हूं टिकटॉक पे भी उनको पैसे भी मिलता रहता है, बताइए आपको। अच्छा वो टिकटॉक पे भी आती हैं? आई डोंट नो, अच्छा उनको पार्लर पे जाना पड़ सकता है, मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से उनकी हम तारीफें कर दें, उनको पार्लर पे जाना पड़ सकता है, पार्लर पार्लर नो द पार्लर। अगर नहीं मुझे अगर वो बुलाएंगी और सर्विस देंगी तो फिर तो मैं उनकी तारीफें कर सकती हूँ। परी डॉल, परी डॉल प्यारी है, उसके बाल भी मुझे अच्छे लगते हैं, वैसे भी वो स्मार्ट है। आपको उनके बाल पसंद है और अगला बताएं जी जन्नत मिर्जा। अच्छा जी टिकटॉक की बात हो, जन्नत मिर्जा की बात हो, जन्नत मिर्जा बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, मैं टिकटॉक पे देखता हूँ, इधर भी आती है, अब भी आई हुई है इधर, तो ठीक है वो भी अपनी जगह पे प्यारी है वो भी। यार जन्नत मिर्जा जब से बाहर गई है ना वो ज्यादा प्यारी नहीं होगी, लाइक मैं उसे देखता हूँ उसकी ज्यादा टिकटॉक ट्रेंड्स की होती है। मुझे ये बताएं जब से बाहर गई है तब से ज्यादा प्यारी, मतलब जब वो पाकिस्तान थी तो आप उसे देखते रहते थे? नहीं तब मेरे फोन में टिकटॉक इंस्टॉल नहीं था। आप ना आप पर बहुत नॉटी हो गई ना, फिर आपको कैसे पता? आप नॉटी बातें कर रहे हो, अली सामने बैठे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत नॉटी बहुत नॉटी। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, औरतों की रिस्पेक्ट जरूरी है। कौन सी डिसरिस्पेक्ट कर दी है इतनी, ये देखिए समन इतनी प्यारी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कौन से टिकटॉकर पसंद है? मुझे टिकटॉकर आपके फेवरेट कौन से? मेरा फेवरेट कौन सा है? अरिका, अरिका 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 हम भूल गए उसके बारे में, वाओ अरिका बिग नेम, बिग नेम, तुम या तुम। चले अरिका क्यों पसंद है आपको? वो घर से बाहर निकलती है, दूसरा वो शोर शराबा नहीं करती, वो इसलिए मुझे अच्छी लगती है। घर से वो बहुत बाहर निकलती है, कहने का मकसद ये शी इज टिकटॉकरों से वो कोलैबोरेट नहीं करती। जी बिल्कुल, शी इज जस्ट लाइक अ सेल्फ मेड वन मैन आर्मी, वो किसी के साथ किसी के कंधों पे नहीं है, जो सीधी सी बात है कि जिसके साथ अली के साथ ना अली तो हिट होगी, उसके साथ ना अली 30 वीडियोस 30 टिकटॉकर्स के साथ नहीं और बंदा शू ऊपर, वो उसका वो सीन है। शी इज लाइक नाउ अ सेल्फ मेड, वो सिद्धू मूसे वाले का गाना सुना आपने चर्च में? नहीं नहीं सुना, सुना दे। वो कहता मैं चाचे मामे आदि सिरां ते नहीं उठिया आप बने। नदीम नानी वाला दो बंदे हैं, नदीम और उसकी नानी, दो नानी वाला, वो दोनों ही प्यारे हैं, दोनों प्यारे हैं। वाओ अच्छा
अच्छा आपको आईफोन नहीं दिया अभी तक? नहीं मुझे किया, मुझे दे दिया। ऑफर तो किया होगा। नॉटी नॉटी नॉटी, हमसे छुपा रही है अंदर खाते। हम नहीं मांगते, हम नहीं मांगते आपसे वो वाला आईफोन। कहाँ छुपाया है वो आपने? नानी ने भी दिया है, सिर्फ नदीम ने। नदीम ने दिया। डील नदीम के साथ होती है ना, नानी के साथ। तो आप मिले हैं नदीम नानी वाला से? जी मिला हूँ। ओके, कैसे हैं वो? बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं। उनको भी आपने चलना सिखाया अपनी तरह या नहीं? नहीं उनको मैं चलना सिखाया लेकिन वो सीख नहीं पाए। ये कोई किसी किसी में टैलेंट होता है, कामों वाला टैलेंट सिर्फ हमने आप में ही देखा है। हर बंदे की गिट्टों में इतना जोन नहीं होता और कामों में इतने स्प्रिंग फिट नहीं होते। गिट्टे इन टखनों को कहते हैं। लाइक मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, इट्स पंजाबी वर्ड गिट्टा, बट ओरिजिनली इट्स टखना। आप वजू करते हैं तो टखनों तक वो जैसे पौध होते हैं। सो ये मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए कह रहा था। अकल पाँव में होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं वो आपके पाँव में। ये आपने जूता कहाँ से लिया? बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, ECS वालों को मेरा शूज अगर नजर आ रहे हैं और तो मुझे वो स्पॉन्सर कर दे, मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लें और चले। अच्छा अली, आप एक बात बताएं, इसके बाद आपका कोई इरादा नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना चाहें? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा मॉडलिंग का। ओह मॉडल तो आप हैं भाई, मॉडल तो हैं। नहीं मेरा ख्याल है मैं ड्रामा में काम करूँ। नहीं आप ये चाहते हैं, आप मॉडल तो हैं, आपको रोल मिलना चाहिए। रोल मॉडल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, रोल मिल के रोल मॉडल, रोल और मॉडल बन जाए। माइंड योर लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट टाइम। अच्छा रोल मॉडल बनना चाह रहे हैं, किस तरह के मतलब किसी ड्रामा फिल्म में काम करना चाह रहे हैं या लाइक नॉर्मल मॉडलिंग करना चाहते हैं? नहीं मैं ड्रामों में। ओके ड्रामों में। वैसे तो मैं मॉडल हूँ आपको बताइए। अच्छा अभी जो जो डायरेक्टर हमारा शो देख रहे हैं, मुझे मनीप ने बताया कि 3-4 डायरेक्टर्स ने भी शो देखा है। तो जी अली खान, he actually want to be a drama actor, so sign कर लेंगे। मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई मेरा चटी बटी फ्रेंड, बचपन की दोस्ती है, टेंशन ही कोई नहीं है, कोई डील करनी है मुझे मैसेज कर दें फोन, ठीक है अली भाई? हाँ जी। अच्छा अली अपने फैंस को कोई मैसेज दे दें जो कि आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि वो जैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो मैं चाहता हूँ कि आगे से वो मुझे प्यार और सपोर्ट इसी तरह करें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, लव यू ऑल फ्रेंड्स, नो लव यू, लव लव हो गया, गुड हो गया, he loves you a lot, गुड हो गया, गुड हो गया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारा आज का प्रोग्राम देखने के लिए। टीम रियल डील्स के साथ मैं हूं समन खान और मेरे साथ मौजूद है उसामा कादरी। और थैंक यू वेरी मच अली, आप हमारे शो पे आए, आपने टाइम निकाला हमें इस काबिल समझा, बिजी स्केड्यूल में हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप फील कर रहे हैं कि आप हवाओं में, हम भी ऐसे ही फील कर रहे हैं, हम हवाओं में उड़ रहे हैं, हम हवाओं में उड़ रहे हैं, फील हो रहा है हम किसी चीज पे बैठे हैं, हमें लग रहा है हम हवा में, हमारे पांव जमीन पे लग नहीं रहे, ये देखो लग नहीं रहे यार, लग नहीं रहे, हमारे पांव ही जमीन पे लग नहीं रहे, क्योंकि हम लोग अली के साथ बैठे हैं, अली के साथ बैठ के हवाओं में होता है बंदा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टीम रियल डील्स, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच विल बी वेरी एंटरटेनमेंट and that is food challenge. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो नीचे घंटा लटक रहा है ना वो घंटा बजा दे, घंटा बजा दे, क्योंकि हमने बहुत घंटा लगाया है, घंटा लगा है, हम सोच रहे हैं मजीद घंटे बजाएं, हाँ, बड़े लोगों को घंटे बजाने की सोच रहे हैं, घंटा बजा दे, हम घंटा बजाने का सोच रहे हैं, हमें बहुत शौक है घंटा बजाने का, हम घंटे बजा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय।